एक छोटा सा जॉम्बी शेप जो कि काफी डरावना था, वर्टल की कैद से निकल कर लोगों को काट कर इन्फेक्टेड कर देता है। और वो जॉम्बी शेप कैसे बना, तो इसी के साथ हम एक बच्चे हेनरी, उसके भाई एंगस और उनके फादर को देखते हैं। ये लोग शेप फार्मिंग करते थे। अब क्योंकि हेनरी इस काम में काफी एक्सपर्ट होता है, इसीलिए उसके फादर उसकी तारीफ करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं। और इसी वजह से हेनरी का भाई एंगस उसे काफी जेलस होता है और वो अपने भाई से बदला लेने का सोचता है, इसीलिए वो एक भेड़ को मार देता है। और जब उसका भाई हेनरी वहाँ पर आता है तो वो भेड़ की खाल पहनकर उसे डराता है और इस वजह से हेनरी काफी डर जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर उनकी केयर टेकर आ जाती है और वो एंगस को ऐसा करने पर काफी डांटती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हेनरी अब बड़ा हो गया था और वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसकी गाड़ी के बाहर काफी सारी भीड़ होती है जिनसे वो काफी डर रहा होता है। इसके बाद जब हेनरी अपने घर जाता है तो वहाँ पर वो अपने केयर टेकर से मिलता है, यानी जो 15 साल पहले उनकी केयर टेकर हुआ करती थी, और वो हेनरी को देख कर काफी खुश हो जाती है। उनसे मिलने के बाद हेनरी अपने भाई एंगस से मिलने जाता है, लेकिन उसका भाई एंगस उसे देख कर खुश नहीं होता और वो उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तब हेनरी कहता है कि मुझे मेरे साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पर बुलवाया है क्योंकि वो बचपन के वाकये की वजह से भेड़ों से काफी डरता है। यहाँ पर एंगस उसका एक बार फिर से मजाक बनाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की एक्सपीरियंस और उसके फ्रेंड को देखते हैं और वो यहाँ पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स को चेक करने के लिए आए थे। एक्सपीरियंस का फ्रेंड साइंटिस्ट के सामने ही एक बॉटल उठा लेता है और इस बॉटल में जेनेटिक रिसर्च से बनाया गया एक छोटा सा शेप था। जब वो साइंटिस्ट उसे ऐसा करता हुआ देखते हैं तो वो उनका पीछा करने लगते हैं, इसीलिए एक्सपीरियंस और उसका फ्रेंड जंगल में छुप जाते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उसके बॉटल चुराने की वजह से वो साइंटिस्ट उनका पीछा कर रही थी, जिस पर एक्सपीरियंस का फ्रेंड कहता है कि ये हमारे पास अ काइंड ऑफ सबूत है जिससे हम साबित कर सकते हैं कि ये लोग कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और तभी उन लोगों को ढूंढते हुए साइंटिस्ट भी जंगल में आ जाते हैं, इसीलिए एक्सपीरियंस का फ्रेंड उसे अकेला ही वहाँ पर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन गिरने की वजह से वो बॉटल टूट जाती है और उसमें से एक छोटा सा शेप बाहर निकलता है और ये असल में ज़ॉम्बी शेप होता है और वो दिखने में भी बाकी शेप से काफी अलग था क्योंकि वो काफी डरावना लग रहा था। और तभी दिखते ही वो एक्सपीरियंस के फ्रेंड को काट लेता है जिससे उसका कान काफी बुरे तरीके से कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हेनरी को देखते हैं जो कि अपने भाई एंगस को 20 लाख का चेक देता है और यहाँ पर उनके बीच एक डील होती है। यहाँ पर एंगस हेनरी को कहता है, इसके बाद एंगस उसे कहता है कि तुम्हें जितनी थेरेपी चाहिए उतनी थेरेपी तुम खरीद लेना। फिर हेनरी उसे कहता है कि तुमने डैड की सारी चीजों को काफी चेंज करके रख दिया है। तब एंगस उसे कहता है कि हमें टाइम के साथ साथ चीजों को चेंज करते रहना चाहिए और मेरे एक्सपेरिमेंट से सब लोगों को काफी फायदा होने वाला है, तुम देखना। इसके बाद जब हेनरी अपने घर जाता है तो वो केयर टेकर उसे कहती है कि मैंने फार्म मैनेजर से बात कर ली है, तुम उसके साथ पहाड़ों पर जाकर घूम आओ। यहाँ पर पहले तो हेनरी मना कर देता है लेकिन फिर इसके बाद वो जाने के लिए एग्री हो जाता है और अब हेनरी और वो फार्म मैनेजर पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी शीप भी पहाड़ों तक पहुँच गया है और उसकी आवाज़ सुनकर एक भेड़ वहाँ पर आता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी शीप उसे भी काफी बुरे तरीके से काट लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हेनरी और वो मैनेजर जा रही होती है तो तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक भीड़ आ जाती है जिससे वो फार्म मैनेजर हटाने लगता है, लेकिन तभी एक्सपीरियंस गन लेकर वहाँ पर आ जाती है और वो उन दोनों पर गन पॉइंट करके उन्हें हाथ ऊपर करने के लिए कहती है। इसके बाद हम एक्सपीरियंस के फ्रेंड को देखते हैं जो काफी अजीब बिहेव कर रहा था और यहाँ पर हम एक बड़ा ही अजीब सीन देखते हैं। एक्सपीरियंस के फ्रेंड को वहाँ पर एक खरगोश मिलता है जिसे वो पकड़ लेता है और देखते ही देखते बहुत ही बुरे तरीके से उसे खा लेता है। इससे यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एक्सपीरियंस का फ्रेंड भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। उधर एक्सपीरियंस को पता चलता है कि हेनरी असल में एंगस का भाई है, इसीलिए वो उस पर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि तुम लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, अच्छा ही होगा अगर मैं तुम्हें मार। अब क्योंकि गन सेफ्टी मोड पर थी इसीलिए वो गन को चलाने में नाकामयाबी रहती है, इसीलिए बहाने से वो मैनेजर उससे वो गन ले लेता है। इसके बाद एक्सपीरियंस उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर मासूम जानवरों को टॉर्चर करके उन्हें खतरनाक जानवर बनाया जा रहा है। उसी टाइम उन लोगों को दूर एक घर में से धुआं आता हुआ दिखाई देता है और जब भी लोग चेक करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो खाना जल रहा है और तभी वहां पर एक भेड़ आ जाती है जो कि इन्फेक्टेड थी और वो इन लोगों पर अटैक कर देती है और उससे बचने के लिए ये लोग एक रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। और तभी उन्हें वहां पर घर के ऑनर की डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि काफी बुरी हालत में थी क्योंकि उस भेड़ ने उसे काफी बुरे तरीके से खाया होता है। उसी टाइम वो भेड़ दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन मैनेजर उसे गन से शूट कर देता है। अब यहां पर वो लोग सोचते हैं कि शायद वो भेड़ मर चुकी है लेकिन वो भेड़ उठकर एक बार फिर से उन पर अटैक करने की कोशिश करती है और इस बार मैनेजर उसे शूट करके मार डालता है। इसके बाद जब वो घर से बाहर आते हैं तो उनके चारों तरफ काफी सारे भेड़ होते हैं और वो इन्हें चारों तरफ से घेरने लगते हैं। अब क्योंकि वो भेड़ अभी पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुए थे इसीलिए वो उन लोगों पर अटैक नहीं
नहीं करते और इसी बात का फायदा उठाकर वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान एक भीड़ गाड़ी के अंदर घुस जाती है और वो उस मैनेजर पर अटैक करने की कोशिश करती है। हेनरी गाड़ी में रखा हुआ चेनसॉ स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो तो स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए हेनरी गिर जाता है और वो भीड़ देखते ही देखते मैनेजर के पैर पर काट लेती है। इसीलिए वो मैनेजर भी गाड़ी के पीछे आ जाता है लेकिन वो देखते हैं कि स्टिल वो गाड़ी चल रही है, जिसकी वजह से वो लोग काफी हैरान होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गाड़ी को यूं नहीं बल्कि भीड़ चला रहा था जो उस गाड़ी को खाई की तरफ ले जा रहा होता है। तो वो लोग बिल्कुल ठीक टाइम पर गाड़ी से कूद जाते हैं। फिर देखते ही देखते वो गाड़ी खाई में गिर जाती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में ये वही खाई होती है जहाँ पर हेनरी के फादर का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उधर साइंटिस्ट को जंगल में एक्सपीरियंस का फ्रेंड नहीं मिलता, इसीलिए वो वापस आ जाते हैं। उसी टाइम जब एक साइंटिस्ट वेस्ट मटेरियल को एक पिट में डाल रहा होता है तो दो भीड़ उस पर अटैक कर देते हैं और उसे काफी बुरी तरह काटने लगते हैं। एंगस दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है और तभी उसकी गाड़ी के सामने एक्सपीरियंस का फ्रेंड आ जाता है जो काफी डरावना बिल्कुल किसी भीड़ की तरह ही दिखाई दे रहा था। और वो एंगस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी भीड़ों पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में जानता हूँ। ये बात सुनकर एंगस गुस्से में आकर उसे कहता है कि अगर तुम मेरी भीड़ होती तो तुम्हें तुम्हें वैसे ही मार देता, और तभी उसके हाथ पर एक्सपीरियंस का फ्रेंड काट लेता है। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर एंगस काफी हैरान और परेशान हो जाता है। इसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जिसके पाँव में काफी पेन हो रही थी और उसी टाइम मैनेजर जब अपने शू को उतारता है तो वो देखता है कि उसका पैर किसी भीड़ के पैर जैसा बन गया है। तभी देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और काफी परेशान भी हो जाते हैं और तभी बहुत सारी भीड़ उनकी तरफ बढ़ने लगती है जिन्हें देखकर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो लैब तक पहुँच जाते हैं। ये वही लैब थी जहाँ भीड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और तभी उन्हें वहाँ पर एक भीड़ काफी बुरी हालत में लटकी हुई दिखाई देती है क्योंकि उसकी बॉडी पर बिल्कुल भी खाल नहीं होती, साथ साथ उसकी बॉडी को भी काटा गया था। असल में उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और तभी वहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट की हेड एक फीमेल साइंटिस्ट आ जाती है और वो उन लोगों पर गुस्सा करते हुए पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। यहाँ हम देखते हैं कि एंगस भी वहाँ पर मौजूद होता है और उससे हेनरी इन सब चीजों के बारे में पूछता है, जिस पर एंगस कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता चुका था क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है और तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि डैड अपनी सारी जिंदगी इन भीड़ों की वजह से काफी परेशान रहे और एक दिन एक अंधे भीड़ का पीछा करते हुए वो खाई में गिरकर मारे गए। हमारे डैड जान से तो चले गए लेकिन हमें कभी भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर हेनरी उसे बताता है कि भीड़ बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वो लोगों को बुरी तरह से काट रहे हैं, लेकिन ये सुनकर वो साइंटिस्ट उसकी बातों का यकीन नहीं करती और वो इस बात को झूठ कहती है। यहाँ पर वो मैनेजर उन्हें ये सब करने से रोकता है लेकिन वो साइंटिस्ट उसके गले में इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हेनरी एक्सपीरियंस के साथ वहाँ से भाग जाता है और जब वो लोग बाहर आते हैं तो चारों तरफ से भीड़ उनकी तरफ आने लगते हैं। भागते भागते ये लोग उसी पिट तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट का वेस्ट मटेरियल फेंका जाता था और वहाँ चारों तरफ फेंस लगी हुई थी जिसकी वजह से वो भीड़ अंदर नहीं आ सकते थे। लेकिन वो भीड़ उस फेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं और तभी अचानक से पांव स्लिप होने की वजह से हेनरी उस पिट में गिरने वाला होता है, लेकिन एक्सपीरियंस उसे पकड़ लेती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है जिसकी वजह से वो दोनों ही उस पिट में गिर जाते हैं। पेट के अंदर जाकर उन्हें एक रास्ता मिलता है, वहाँ से आगे बढ़कर वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। हमें वो मैनेजर दिखाया जाता है जिसे साइंटिस्ट ने बेहोश किया हुआ था और जब वो साइंटिस्ट उसके पांव को देखती है तो वो काफी खुश होती है ये देखकर कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और तभी वहाँ पर एंगस भी आ जाता है, इसीलिए वो साइंटिस्ट उस मैनेजर के पैर को छुपा देती है। एंगस स्पीच देने के लिए जाने वाला होता है तो वो साइंटिस्ट भी उसके साथ जाने के लिए कहती है लेकिन एंगस उसे मना कर देता है जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है, तुम मेरे रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो यानी किसी ऐसे को जो मेरी जगह ले सके। तब एंगस उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो साइंटिस्ट को उसकी इंजरी का ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है, जिस पर वो साइंटिस्ट कहती है कि इस पर तुम कोई लेप लगा लो ये ठीक हो जाएगा। हेनरी और एक्सपीरियंस दिखाए जाते हैं जो उसी पिट के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर एक्सपीरियंस हेनरी से उसे उसके भाई एंगस से की गई डील के बारे में पूछती है, जिस पर हेनरी कहता है कि मैंने अपनी सारी जमीन अपने भाई को दे दी है ताकि वो फार्मिंग कर सके, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो ऐसा करेगा, ये इतनी खतरनाक एक्सपेरिमेंट करेगा। और तभी उन्हें एक भीड़ की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और तभी एक भीड़ हेनरी पर अटैक कर देती है। फिर उससे किसी तरह बचकर वो दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और तब हेनरी उस भीड़ को आग लगा देता है। इसके बाद एक्सपीरियंस हेनरी से माफी मांगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि एगस के साथ साथ हेनरी भी काफी सेल्फिश है, लेकिन हेनरी ने तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक्सपीरियंस की जान बचाई। फिर हम घर में उनके केयर टेकर को देखते हैं और तभी वहाँ पर एंगस भी आ जाता है। वो केयर टेकर एंगस से पूछती है, क्या तुमने हेनरी को देखा है, जिस पर एंगस झूठ बोल देता है, नहीं तो मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या पता वो वापिस चला गया हो। तभी ये बात सुनकर वो केयर टेकर काफी हैरान होती है क्योंकि हेनरी उनसे मिले बगैर कभी भी वापस नहीं जा सकता था। उधर हम देखते हैं कि हेनरी और
एक्सपीरियंस उस पिक से निकलकर बाहर आ जाते हैं और वो फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक्सपीरियंस का फ्रेंड मिलता है जो कि पूरी तरह से एक भेड़ बन चुका था और वो उन दोनों को वहाँ पर देखकर उन पर अटैक कर देता है। तब एक्सपीरियंस उसे पहचान लेती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे एक्सपीरियंस का फ्रेंड अंदर ही रह जाता है। वो मैनेजर भी हमें दिखाया जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता भेड़ में बदलता जा रहा था। तब वो साइंटिस्ट उसे एक एंटीडोट देती है जिसके बाद वो तेजी से बदलने लगता है और दोबारा से एक इंसान बन जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट वहाँ से बाहर निकलती है और एंगस की होने वाली स्पीच की तरफ बढ़ती है, लेकिन रास्ते में ही वो भेड़ों के बीच फंस जाती है और एक भेड़ उसे बुरी तरह से मारकर खा लेती है। उधर एंगस भी जब अपनी स्पीच दे रहा होता है तो उसके अंदर से भी भेड़ की आवाज आने लगती है। इसके बाद वो लोगों को एक भेड़ दिखाता है जो कि बाकी भेड़ों से काफी अलग और काफी खूबसूरत होता है। फिर हेनरी और एक्सपीरियंस भी वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी भेड़ स्पीच सुनने वाले लोगों की तरफ बढ़ रही है और देखते ही देखते उन सभी लोगों पर अटैक करके उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारकर खाने लगती है। एंगस भी उस खूबसूरत भेड़ को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एंगस भी आहिस्ता आहिस्ता भेड़ भी बदलता जा रहा था और यही वजह होती है कि एक इन्फेक्टेड भेड़ उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाती। यहाँ पर वो सारे लोग एक एक करके बड़े ही बेरहमी से मारे जाते हैं और तभी वहाँ पर वो केयर टेकर अपनी गाड़ी लेकर आ जाती है। फिर वो हेनरी और एक्सपीरियंस को घर ले आती है, लेकिन जब वो लोग घर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहले से एक्सपीरियंस का फ्रेंड मौजूद होता है और वो फिर से उन लोगों पर अटैक कर देता है। इसीलिए हेनरी गन से उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें तो गोलियां ही नहीं होती, इसीलिए वो केयर टेकर से गोलियां मांगता है। लेकिन तभी एक्सपीरियंस का फ्रेंड जो कि भेड़ बन चुका था उसे काटने की कोशिश करता है। फिर एक्सपीरियंस एक स्टिक से उसकी एक ऐसी वेन पर स्टैब करती है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ से भेड़ों ने घर को घेर लिया है, इसीलिए अब वो लोग एंगस के रूम में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा अंदर से बंद होता है। इसीलिए हेनरी उसका लॉक तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर उसे एंगस मिलता है और वो हेनरी को जिंदा देखकर काफी हैरान होता है। उन लोगों को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मुसीबत उनके लिए बढ़ती जा रही थी क्योंकि भेड़ उनके घर में घुसने की कोशिश कर रही थी और तभी वो देखते हैं कि एंगस अपने उस खूबसूरत भेड़ के साथ फार्म की तरफ जा रहा था, लेकिन कोई भी इन्फेक्टेड भेड़ उस पर अटैक नहीं कर रही थी। और तभी हम जान पाते हैं कि हेनरी भी इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन फिर भी वो लोगों की हेल्प करने के लिए उन बाकी लोगों को रोकने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। अब हेनरी तो भेड़ों से डर रहा होता है, लेकिन कोई भी भेड़ उसे कुछ नहीं कह रही होती क्योंकि वो भी तो इन्फेक्टेड था। इसके बाद वो केयर टेकर एक्सपीरियंस को लेकर वहाँ से निकल जाती है। एंगस जो कि प्लेन के जरिए वहाँ निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो भी एक भेड़ में बदलने लगता है और उसके पास हेनरी भी पहुंच जाता है। तो तब एंगस उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तब हेनरी किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर एंगस देखते ही देखते एक खतरनाक भेड़ में बदल जाता है और तभी हेनरी को गन मिल जाती है जिससे वो एंगस को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी एंगस गन को दूर फेंक देता है, इसीलिए हेनरी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और तभी हेनरी को बचाने के लिए उसका डॉग वहाँ पर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि प्लेन चलता हुआ एंगस की तरफ ही आ रहा था और जब हेनरी ये देखता है तो वो अपने भाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो प्लेन आकर एंगस पर अटैक कर देता है जिससे वो काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और हेनरी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो मैनेजर आ जाता है और वो एंगस को इस वायरस की एंटीडोट दे देता है। इसके बाद वो हेनरी को भी इस वायरस की एंटीडोट देता है जिससे वो वायरस फौरन खत्म हो जाता है। यहाँ पर हेनरी उस मैनेजर को जिंदा और सही सलामत देख कर काफी हैरान होता है। एंगस भी अभी जिंदा होता है और एंटीडोट की वजह से वो भी इंसान बन चुका था। जैसे ही वो इन्फेक्टेड भेड़ों के पास जाता है तो वो उस पर अटैक करके उसे खा लेती है। तब हेनरी लाइटर की मदद से उन भेड़ों को आग लगा देता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो सारे भेड़े जलकर मारी जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मैनेजर सभी इन्फेक्टेड लोगों को वही एंटीडोट देता है जिससे वो सारे भेड़ों से इंसान बन जाते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि हेनरी एक्सपीरियंस और मैनेजर की हेल्प से यहाँ पर एक फार्म हाउस खोल लेता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।